हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरु चैनल। आई एम मृगेंद्र प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे कि कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है और इसके मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। और फ्रेंड्स, हम ये भी देखेंगे कि कंट्रोल वाल्व कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल वाल्व के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को स्किप न करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल वाल्व एक्चुएटर एक वेरिंग साइज ऑरिफिस यानी बदलते आकार वाले होल के द्वारा पाइप में फ्लो हो रहे फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वाल्व्स के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, द वाल्व बॉडी एंड द वाल्व एक्चुएटर। वाल्व बॉडी एक फ्लूइड कनेक्शन और एक मूवेबल रिस्ट्रिक्टर का काम करती है। रिस्ट्रिक्टर में वाल्व स्टेम और प्लग होते हैं जो फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में रहकर फ्लो को वेरी करते हैं, जबकि वेल्व एक्चुएटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो फ्लूइड फ्लो को वैरी करने के लिए रेस्ट्रिक्टर को फिजिकली मूव करवाता है। कंट्रोल वेल्व में तीन तरह के एक्चुएटर्स यूज होते हैं, इनमें स्प्रिंग, डायफ्राम सोलेनोइड और मोटर इंक्लूडेड है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्प्रिंग एंड डायफ्राम एक्चुएटर्स स्टेम एंड प्लग को मूव करने के लिए स्प्रिंग और डायफ्राम को यूज करते हैं। एक 15 PSI प्रेशर का न्यूमेटिक सिग्नल हाउसिंग के टॉप से एक्चुएटर को दिया जाता है, जिससे स्प्रिंग के अगेंस्ट डायफ्राम पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है और रेस्ट्रिक्टर मूव करता है। डायफ्राम तब तक मूव करता है जब तक कि ये स्प्रिंग के अगेंस्ट उतना इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हासिल न कर ले एंड मोशन बंद हो जाए और प्लग जाकर वेल्व सीट से मिल जाए। एयर प्रेशर नहीं होने पर रेस्ट्रिक्टर स्प्रिंग के कारण ऊपर मूव करता है। इस तरह ये ओपन कंट्रोल वेल्व की तरह एक्ट करता है। रेस्ट्रिक्टर की पोजीशन को वेरी करने और वेल्व के थ्रू फ्लो करवाने के लिए 3 से 15 PSI तक सिग्नल डायफ्राम को दिए जा सकते हैं। 3 PSI डायफ्राम को ओपन रखने के लिए, 15 PSI क्लोज के लिए। 3 से 15 PSI के बीच के प्रेशर रेंज फ्लो को प्रोपोर्शनली वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 9 PSI प्रेशर स्प्रिंग को इतना मूव कराता है कि वेल्व स्टेम ऑपरेशनल रेंज का 50% होता है। वेल्व को ऑन ऑफ करने और फुली क्लोज या फुली ओपन पोजीशन पर रखने के लिए सोलेनोइड यूज करते हैं। कॉइल में करंट फ्लो करने से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो प्लंजर को स्प्रिंग के अगेंस्ट नीचे मूव कराता है। जीरो करंट कंडीशन में स्प्रिंग प्लंजर को ऊपर पुल करती है और ये नॉर्मली ओपन स्टेट कंट्रोल वेल्व की फुली ओपन पोजीशन है। यूज ऑफ मोटर वेरिएबल वेल्व पोजीशनिंग का लास्ट मेथड है। इस कंट्रोल मोड में एक गियर मोटर वेल्व स्टेम से अटैच्ड होती है। एक सर्वो एम्पलीफायर DC कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करवाता है जिससे वेल्व डिजायर्ड पोजीशन पर मूव करता है। फीडबैक के लिए एक वाइपर आर्म वेल्व से अटैच्ड होती है जिससे सिग्नल को वापस सर्वो एम्पलीफायर के पास सेंड कर पोजीशन की मॉनिटरिंग की जाती है। सर्वो एम्पलीफायर कंट्रोल सिग्नल के फीडबैक सिग्नल के इक्वल होने तक मोटर को ड्राइव करता है।